सो हे गाइस, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के लिए एक अनोखी रेसिपी के साथ में। इसे देख कर तो आप लोगों का मन में पक्का सवाल आ रहा होगा कि ये है क्या चीज़। तो देर किस बात की, मैं बता देती हूँ, ये है हमारे इधर के स्वीट पोटैटो। इसे आप लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे भी ले सकता है या फिर इवनिंग के जो स्नैक्स टाइम होता है चाय के साथ वो भी ले सकता है। इस स्वीट पोटैटो के हेल्प से आप लोग बहुत सारे चीज़ें पका के खा सकता है, जैसे कि अगर आप लोग अगर कुछ चिकन बॉईल कर रहे हैं तो उसका उसमें भी इसका कम्बिनेशन अच्छा रहता है, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो ये सूप में सूप भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसे आप लोगों को अगर डेजर्ट पसंद है तो इससे केक भी बहुत अच्छा बनता है, और अगर आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल है तो इससे नूडल्स भी बहुत अच्छा बन जाता है। मैं तो जो मन करती हूँ वही बना के खा लेती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आज मेरी स्केड्यूल बहुत टाइट है तो मुझे प्रिपरेशन करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला लंच के लिए, और मेरे घर पे इसे टाइम कुछ गैस आया हुआ है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट से यही खिला दिया उन्हें। ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ कि मेरी ये चीज़ें उन्हें पसंद आ जाए। इसको मैंने स्टीम पे बैठा दिया और मैंने एक पीस बचा के रखी थी, इसको मैं ग्रेडिंग करना शुरू किया क्योंकि मेरे जो दिमाग है ना वो खुचुर मुचुर चलते रहता है मेरे दिमाग पे। तो अभी मेरा अभी जस्ट एक आइडिया आया कि इसे मैं और अलग डिश भी बना के ट्राई कर सकती हूँ। आज के वेदर ने तो मुझे धोखा ही दे दिया था, सुबह डूब के भरोसे मैंने पतले स्वेटर पहन के बाहर निकाली थी, लेकिन बाहर गए तो कुछ और ही हो गया, वेदर ख़राब। तभी से मैंने मन बनाया कि घर पे जाके आज तो कुछ गर्म चीज़ें बना के खाऊंगी। ये मेरी राइस फ्लावर है जिसको मैंने घर पे ही बना कर रखी थी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, तब तक करूँगी जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरह स्टिक हो जाए, कोई भी शेप दे ये अच्छी तरह उसी शेप में बैठ जाए, टूटे ना कहीं से। ये देख सकता है आप लोग कितना अच्छा से ये मिक्स हो चुका है। अभी आप चाहे तो कुछ भी शेप दे सकता है, लेकिन मैंने सिंपल से राउंड राउंड कर दिया क्योंकि मेरे जो गेस्ट थे वो सारे भूखे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं तो वो सारे भूखे हैं बाहर बैठे हुए, इसीलिए मैंने सिंपल से जल्दी जल्दी में राउंड कर दिया इसे। अभी स्मेल से पता चल रहा है कि मेरी जो स्टीम है वो शायद ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं खोल के देखूंगी इसको। वाओ, खुशबू, और उसके बाद इसके कलर तो देखो, ये येलो हो गया पूरा। इसका जो लाइट रिफ्लेक्शन का कारण इसका कलर प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नेकेड आई में पूरा इसको बिल्कुल येलो दिख रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी इसको मैं एक एक करके बाहर निकालूंगी ताकि इसके जो वेपर से वो सारे ऊपर चला जाएगा और पानी जो बचा हुआ है वो नीचे गिर जाएगा। साइड बाय साइड मैंने पैन गरम कर दिया दूसरे डिश के लिए, और इसमें मैं रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब धीरे धीरे से यहाँ से एक एक करके मैं डालूँगी ताकि ये टूटे ना कहीं से। अब बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। ये मैंने कम बनाया क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसमें ख़राब भी बन सकता है, इसीलिए रिस्क नहीं ले सकता है। अगर ये अच्छा बनता है तो नेक्स्ट बार और ज़्यादा बनाऊँगी मैं, इसीलिए सिंगल सिप में ही ख़त्म। को पकने में कुछ मिनट्स ही लगता है, तो शायद मुझे लगता है इसका जो नीचे पोर्शन है वो ऑलमोस्ट पक चुका है, तो मैं ये टर्न कर रही हूँ इसे। गाइस, इसका लुक्स देख के ना मेरी जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि ना इसका लुक्स देख के ही मुझे लग रहा है कि ये अच्छा ही बनेगा बोलकर। ये 95% ओके हो चुका है अभी। अभी मैं चटनी बनाऊंगी जो स्टीम मैंने किया था उसके साथ खाने के लिए। उसके लिए मैंने लिया 2 टमेटो, उसके बाद बहुत सारे ग्रीन चिली। पकने के बाद दोनों को मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया, और उसके ऊपर मैं चॉप किया हुआ धनिया एंड अनियंस को डाल दिया। फिर उसके ऊपर में मैंने नमक डाला और अच्छी तरह उसे मिक्स दे दिया। अभी ये जो फ्राइड वाले थे इसके ऊपर मैंने वाइट सेसमी सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया। ये मैंने थोड़ी स्पाइसी रखी क्योंकि आज ठंडा ज़्यादा है तो स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। अभी ये सभी चीज़ें सर्विंग के लिए रेडी है। ठंडा के मौसम है इसीलिए चाय तो बनता है।
इनको लगा कि मैंने दुकान से खरीद के लेकर आया ये सारे चीजें, इसीलिए अनहाइजेनिक है सोच के इन्होंने नहीं लिया था, अभी ले रहे और बोल रहे कि बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा बना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।